गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 को बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक त्रिकोणमितीय निष्पेक्षीय यानी कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8 के रूप में। तो हमको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, जिसमें कोण सी को हम थीटा मान लिए, थीटा दिखा दिए हैं, क्योंकि जो न्यूनतम कोण है उसी को हम थीटा दिखाएंगे, और जो अनुपात दिया है 7/8 में, क्योंकि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार को हम 7 के और लंब को 8 के रूप में मानकर दिखाए हैं चित्र में। यहां पर भी लिखा हुआ है कि माना के आधार बराबर 7 के लंब बराबर, जब भी अनुपात दिया रहेगा उसको हम भुजा के रूप में मानेंगे, के एक्स वाई जेड लेकर के, जहां के एक धनात्मक संख्या है। तो यानी आधार और लंब, आधार हो गया 7 के, लंब हो गया 8 के, इसके आधार पर हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना होगा, हर सूत्र को त्रिकोणमितीय निष्पेक्षीयता में याद रखना होगा। तो यहां कर्ण का मान इस सूत्र के आधार पर हम निकालिए, कितना हो गया अंडर रूट 113 के। ये हमारा आधार कर्ण हो गया, कर्ण निकल गया। उसके बाद चूंकि हमको 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, तो हम पहले सबसे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमितीय निष्पेक्षीयता के आधार पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण के आधार पर हमारा 8/100 अंडर रूट 113 आ गया। उसी प्रकार कॉस थीटा के विमान में निकालिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 113। इस तरह साइन थीटा और कॉस थीटा का हम मान निकालेंगे। निकालने के बाद इस मान को इस समीकरण में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में रख करके हम इसका मान निकाल लेंगे, जो कि यहां पर दिखा गया प्रश्न से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि हम साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, अब इन मानों को इसमें रख करके हमको इसके मान को ज्ञात करना है। तो इस मान को अभी हम नहीं निकाल सकते हैं, ये मान जो है आप लोगों को निकालना है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, ये काम आपके लिए हो गया कि इसका मान आपको ज्ञात करके होमवर्क कॉपी होती में या कोई कॉपी में इसको पूरा करके आपको दिखाना होगा। तो ये आपका प्रश्न हो गया, और इस प्रश्न का साइन और कॉस थीटा के रूप में हल निकाल लिया गया है, और बाकी जो है जो मान निकालना है प्रश्न के अनुसार उस मानों को साइन कॉस थीटा का मान निकालकर ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। अब इस मान को निकाल करके आप हमको जब मंगाया जाएगा कॉपी को आपको लाना होगा और उसमें चेक किया जाएगा। थैंक यू।